सब आई तूफानी करते रहते हैं। देखिए ना, एक जो है और गेट का जो है सर्किट बनाए हुए हैं, और इसको हम जो है इनपुट और आउटपुट को समझाने वाले हैं। इसी का सर्किट हम तैयार कर रहे हैं। इसमें देखिए का किए हैं हम, दो को स्विच लिए हुए हैं और ये दोनों स्विच को जो है पार्लेल में जोड़े हुए हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में जोड़े। देखिए ना, ये दोनों स्विच का, दोनों का ये एक जगह पे है, आइए दोनों तार एक जगह पे। देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए पार्लेल को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों स्विच पार्लेल में है, समांतर में है। ठीक है, अब ये दोनों स्विचवा से जो है हम लोग इनपुट देंगे, और बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा ये इसका आउटपुट होगा। तो इससे हम लोग जो बनाए हैं, ये जो एक गेट तैयार होता है जिसको बोलते हैं और गेट। और गेट का मतलब है कि क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो और का मतलब होता है कि कम से कम एक वो हम इनपुट दोनों में से वन कर देंगे, यानी ओके कर देंगे, यानी ऑन हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। तो इनपुट क्या होता है, जो चीज हम देते हैं वो इनपुट होता है, जो चीज हम देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है, और जो रिजल्ट में आता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। मिल में जाते हैं लोग जी सर, तो धान लेके जाते हैं, इनपुट होता है, और उधर से चावल लेके आते हैं, क्या हो जाता है, आउटपुट हो आउटपुट जाता है। अब क्या होता है, मार्केट में पैसा लेके जाते हैं तो क्या होता है, इनपुट होता है, और जो सब्जी लेके आते हैं क्या होता है, आउटपुट होता है। बैट लेके जाते हैं, इनपुट होता है, उधर से मैच खेल के पैर तुड़वा के आते हैं, क्या होता है, आउटपुट। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर अब देखिएगा, स्विच जो है इसमें इनपुट देगा और बल्ब का जलना या ना जलना आउटपुट है। तो चलिए, हमारे पास दो स्विच है, अभी दोनों ऑफ मोड में है। ठीक है, तो बल्ब क्या है, ऑफ है। फिर बल्ब क्या है, ऑफ है। चलिए, ये और गेट है, और गेट जो होता है डिजिटल सर्किट होता है। डिजिटल में दो ही काम होता है, जो है जीरो और वन का। फिर जीरो होगा तो काम नहीं होगा, वन होगा तो काम होगा। चलिए, और गेट का मतलब होता है जैसे राम और श्याम, इसका मतलब राम और श्याम में से कोई एक आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो देखिए, ये और गेट है, दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच ये जल जाएगा तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो दोनों स्विच में से एक भी स्विच जल जाएगा तो आपका बल्ब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। फिर तो चलिए, हम दोनों स्विच में से एक स्विच को क्या करते हैं, जलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, ये बल्ब जल जाएगा। देखिएगा, यहां पर अभी दोनों स्विच क्या है, ऑफ मोड में। ठीक है, अब एक भी स्विच ऑन करेंगे, ये पहला स्विच ऑन किए हैं तब भी बल्ब जल गया, इसको ऑफ कर दिए, दूसरा स्विच भी ऑन करेंगे तब भी बल्ब जल जाएगा। चलिए, दोनों स्विच ऑन करेंगे तब भी जल जाएगा। ये इसका मतलब है, ये हमारा और गेट है, और गेट में दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब जलेगा तो वन कोट होगा, और नहीं जलेगा तो जीरो कोट होगा। देखिएगा यहां पर, इसमें जो स्विच जोड़े हैं उसके जोड़ने का तरीका देख लीजिए, और आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पर नहीं करिएगा, क्योंकि ये इसमें करंट लगने की भी संभावना रहती है। जी सर, इसलिए आपको यहाँ पे देख लीजिए ये कैसे जोड़ा गया है पार्लेल में स्विच को, और ये दोनों स्विच जो है, इस स्विच से हम इनपुट देते हैं और बल्ब से क्या होता है, आउटपुट होता है। अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी दोनों स्विच जो है ऑफ मोड में है, और गेट कहता है कि कोई भी वो स्विच ऑन कर दीजिएगा बल्ब जल जाएगा। चलिए, ऑफ कर दिए, फिर ये भी ऑन कर देंगे तब भी जल जाएगा, ऑफ कर दिए, फिर दोनों ऑन कर देंगे तब भी जल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑन है, ये भी वन और ये भी वन, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, वन आ गया। चलिए, इसको ऑफ कर देते हैं, ये जीरो, जीरो कोड होता है ऑफ का, और इसका वन, तब भी बल्ब जल रहा है। चलिए, दोनों ऑफ कर दिए, इसका मतलब है कि और गेट कहता है कि कम से कम एक वो स्विच जो है ऑन हो जाएगा तो हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, आगे इसका सीरीज और भी बनाएंगे। धन्यवाद।